आज राज्य मुशायरे का इनाम अनवर हुसैन जीतेंगे। 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक शर्त लगाने को तैयार हूँ। लगी 100-100 की लगी, आप लोग गवाह रहना। इस साल का गोल्ड मेडल लाला बिंदा दिन रस्तोगी जीतेंगे। बेटों, घायल कहते हुए शर्म आती है क्या? अबे शायर हूँ वो भी आम नहीं, और मशायरा ना जीतूं तो घायल नाम नहीं। लेकिन नहीं जीतूंगा इसलिए कि अनवर अपना यार है। आया समझ के बीच? बीच में तो आप हैं। तकलीफ हो रही है, खटकता हूँ खटकता हूँ। अनवर, अनवर, कॉलेज के एक एक लड़की की जबान पर तेरा ही नाम है। सब ये कह रहे हैं कि इस साल उर्दू अदब के सालाना मशायरे का इनाम तू ही जीतेगा। बेटे, अगर इनाम जीतना है तो अपनी गजल मुझे सुना दे और अपने उस्ताद बिंदा दीन घायल से इतला ले ले। घायल मियां, आज के मुशायरे के लिए मैंने तो एक शेर भी नहीं कहा। एक भी शेर नहीं कहा? आखिर की हिमाकत क्यों? दिलो दिमाग अपने काबू में नहीं है दोस्त, सारी रात जाग के कटी है। समझ गया, तू आदत के मुताबिक ज्यादा खा गया होगा और पेट में दर्द हो गया होगा। अबे घनचक्कर, पेट में दर्द नहीं दिल में दर्द है। अच्छा घायल, तू तो जानता कि आज तक उस बुरके वाले का कुछ पता नहीं। कॉलेज में आज छुट्टियां हो जाएंगी, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, वो भी चली जाएगी। यार मेरे, कोई ऐसी तरकीब बता कि उसका पता चल जाए। अब सुनो, ये तो सबको मालूम ही है कि तू आज रात को मुशायरे में पढ़ने वाला है। फिर अगर उसे तुझसे मोहब्बत होगी तो वो तुझे देखने के लिए मुशायरे में जरूर आएगी। तो प्यारे, मुशायरे में ऐसी नजम पढ़ जिसमें अपनी हाय अल्लाह को मुखातिब करके हाल दिल सुना दे। बता दे कि रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, मर रहा हूं, खुदा के लिए शक्ल दिखला दो। मुशायरा खत्म, मुराद पूरी। मगर यार मेरे, अब शेर लिखने का वक्त कहाँ है? अबे 2 घंटे बाकी हैं, कलम तोड़ दे, रोशनाई पी जा, समझे ना, हिम्मते मर्दाओ, मददे खुदा, और इनको दे मिला न कर जुदा। ये ताला शेर हुआ है भाई। जनाब अनवर, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़ तुझे आवाज दिए जाती है। आ मुझे अपनी सदाओं का स...
सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी तेरी आंखों से कोई जाम पिया था मैंने मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताज महल चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम ढूंढता हूँ तुझे हर राह में हर महफिल में थक गए हैं मेरी मजबूर तमन के कदम आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन कल ना जाने मैं कहां और कहां तू हो सनम दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा
मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गम तन्हाई है। तेरी फुर्कत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। मेरा दिल तो भाई अल्लाह, अनवर साहब जवाब नहीं आपका। ठीक है भाई, चलो जान हो जाओ। ठीक है ठीक है। मेरा दिल कहता है तुम्हारी भाई अल्लाह अपने दिले बेताब को दोनों हाथों से दबाए, जरूर तुम्हें तलाश। अरे कर रही है बेटे, इधर देख। अभी देखता क्या है, लपक वही है। अबे लपक, ओफो जाना। वाह अनवर मियां वाह, क्या नज़्म है, लोग अपने होशो हवास खो बैठे। चली गई सत्यानाश हो दुनिया वालों का, दो दिलों को मिलने ही नहीं देती। एक खैर छोड़ो, शक्ल न देखी न सही, नाम पता तो पूछ ही लिया होगा। नहीं पूछा, धत तेरे की। फिर तो अपनी मोहब्बत को अरमानों के कफन में लपेट कर यहीं दफन करो। अब तुमको अपनी हाय अल्लाह इस जिंदगी में नहीं मिलने वाली, इसलिए कि तुम कल लखनऊ जा रहे हो, खेल खत्म और पैसा खत्म। आओ चलो घर चले, दरवाजा किधर, इधर ही है, चलो। टिकट अपने साथ रख लो, मैं साथ वाले डब्बे में। भाई साहब आपको तकलीफ तो होगी? जी बिल्कुल नहीं। खसको भाई, आदाब है नवाब साहब। माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। जी आप मुझे नहीं पहचानते, पिताजी को अच्छी तरह से जानते हैं, सेठ कन्हैया लाल रस्तोगी। अच्छा अच्छा, आप रस्तोगी साहब के साहबजादे हैं। जी हाँ, अब बिंदा दिन घायल। और आप हैं मेरे दोस्त अनवर हुसैन अनवर, ये भी बहुत अच्छे शायर हैं। आप हैं नवाब बुलंद अख्तर साहब। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी आप बैठिए ना।
अच्छा हुआ आप लोग मिल गए सफर जरा। जी हाँ, खूब गुजरे की जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। भाई साहब इस वक्त हम तीन हैं। माफ कीजिए, मैं आपको कैसे शामिल कर सकता था। लीजिए अनवर मियां, लखनऊ आ गया। खुली, अब अपना वादा ना भूलिएगा, दो एक रोज में जरूर मिलेगा। जी बहुत अच्छा। इधर इधर। घायल मियां, आप दोनों हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं? हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे। जी वो पिताजी ने अपना खटारा भेज दिया होगा ना। पता दे। गुलाबो, अरे और गुलाबो, कितनी बार कहा जरी धीरे से पुकारा करो, मैं कोई बहनी नहीं हूं, समझे? पीछे 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 है काम की न काज की, दुश्मन मेरी जान की। देखती क्या जा जा बेगम साहबा से जाकर कह दे कि अलीगढ़ से कोई अनवर मियां तशरीफ लाए हैं। अच्छा आप तशरीफ रखिए, मैं चला। शुक्रिया। बेगम साहबा, अलीगढ़ से कोई अनवर साहब तशरीफ लाए हैं। आप जान सलामत रहो। पेड़ा खाओ बेटे, बर्फी खाओ मेरे लाल, इमरती खाओ लगते जिगर। इन चीजों से भर चुका है पेटे ना तवा, मानिंद मश्क भिष्टी, अब तो कुछ और ही खाने को जी चाहता है। बताओ बताओ क्या खाओगे नूरे बसर, अभी बाजार से मंगवाया जाए। जो मैं खाना चाहता हूँ वो बाजार में मिलेगा नहीं कतन, घर मंगवा सकते हो, दो चार मन गम मंगवाओ फौरन। गम? हाँ पिताजी, मुझे गम खिलाओ पिताजी, मुझे आंसू पिलाओ माताजी, ताकि मेरे जौहर पर निखार आए, नकद नहीं तो उधार आए, मगर आए। शाबाश शाबाश, सुनती हो जी, अपने खानदानी पेशे को चार चांद लगाने के लिए कितना जोश है मेरे बेटे में। मुझे अपनी जवानी याद आ गई, मेरे पिताजी छोटा मोटा सूद लिया करते थे, फिर भी उन्होंने दो के चार किए और मैंने इसी धंधे में चार के आठ किए। अब ये मेरा होनहार बेटा आठ के अस्सी करेगा, लोग कहेंगे कि कन्हैया लाल रस्तोगी का बेटा बिंदा दीन रस्तोगी बड़ा है। नहीं, बिंदा दीन रस्तोगी नहीं, बिंदा दीन घायल। घायल? बेटा किसने घायल किया है तुझे, बता दो जख्म कहाँ आया है। ये वो जख्म है जो दिखाया नहीं जा सकता, बहर और वजन में सुनाया जा सकता है। दिखाया नहीं सुनाया जा सकता है, भला बेटा क्यों नहीं दिखाया जा सकता? नाजुक जगह पर दिल में है दर्द, मेरी रूह में है, सर से पांव तक घायल हूँ मैं। सर से पांव तक? क्या अंदरूनी चोटें लगी हैं? बेटा कहीं अलीगढ़ के लौंडों ने तुम्हें पकड़कर पीटा तो नहीं? उसे कोई क्या पीटेगा जो हर मशायरा पीट लेता है, शायरे दौराहू में मेरा पयाम है शेरो सुखन और तखल्लुस घायल। ओहो, तो घायल तखल्लुस है आपका। हमारा बेटा शायर बन गया है, इसे जरूर कुछ ना कुछ इनाम देना चाहिए। दिल खोल कर दीजिए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। सुना तुमने, बाप को भी यार कहता है। जूता छोड़ के, जूता छोड़ के, अरे जूता छोड़ के, क्या कर रहे हैं? पकड़ लिया। अच्छा किया। मेरी परवरिश और तालीम के लिए आपने मजबूर होकर घुंघरू बांधे, थिएटर की नौकरी की, लेकिन आप अजान अब खुदा के फजल से वो मजबूरियां खत्म हो गई। मैं तालीम मुकम्मल करके आ गया, अब मैं मुलाजमत करूंगा और आप आराम से घर में रहेंगी। खुदा करे मेरी उम्र भी तुमको लग जाए।
तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। जो कुछ आपने मेरे लिए किया वो तो एक माँ ही अपने बच्चे के लिए कर सकती है। अब्बा जान, औलाद की जन्नत माँ के कदमों में होती है, लेकिन मेरी जन्नत वो मेरी बहन के कदमों में है। अल्लाह करे दुनिया की तमाम बहनें मेरी तरह खुश नसीब हों और हर बहन का भाई तुम्हारे जैसा हो। अंदर उस दिन तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी जिस दिन तुम विलायत से उतने बड़े डॉक्टर बनकर आओगे जितने बड़े डॉक्टर बाबा मरहूम थे। आपा जान, मैंने जिंदगी में आपके हुक्म के सामने कभी गर्दन नहीं उठाई। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे अपने से दूर रखा, मैं दूर रहा। आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको बहन न कहूं। मैं बहन कहने को तरस क्या आपा जान, लेकिन जिंदगी में मैंने किसी के सामने आपको बहन नहीं कहा। लेकिन अब मैं आपको थिएटर में काम भी नहीं करने दूंगा और दुनिया वालों के सामने बहन भी कहूंगा। मुझे बहन कहोगे तो जमाने की निगाहों से गिर जाओगे, दुनिया तुम्हें इज्जत नहीं देगी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं आपा जान। कल तक मैं कमजोर था, मुझ में दुनिया का मुकाबला करने की ताकत ना थी, लेकिन अब मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं, इस तरह मेरे अरमानों पर पानी पड़ जाएगा, मेरे ख्वाब बिखर जाएंगे। अनवर मेरे भैया, खुदा के वास्ते वो दिन याद करो जब अब्बा जान के इंतकाल के बाद हमारे रिश्तेदारों ने हमें मुर्दार समझकर गिद्ध की तरह नोचना शुरू कर दिया था। बेरहम दर खा गए, घर खा गए। अगर मैं तुमको लेकर भाग ना जाती तो वो हम दोनों को भी जिंदा न छोड़ते। अब्बा जान, हम वतन से बेवतन हो गए। माँ की निशानी बाप की शक्ल को अनवर तुमको कलेजे से लगाए दर बदर भटकती फिरी। डॉक्टर यावर हुसैन की बेटी सुरैया बेगम से नजमा डांसर बन गई। मेरे माँ जाए, मैं तुमको उस ऊंचाई पे देखना चाहती हूँ जिसकी पहली सीढ़ी पर आज तुमने कदम रखा है। तुम्हें मेरी कसम और मरी हुई माँ का वास्ता, तुम इतने ऊंचे हो जाओ कि तुम्हारे हाथ आसमान को छूने लगे, तुम पर चारों तरफ से खुशियों की बारिश हो, शोहरत का सहरा बने, हमारा मरा हुआ खानदान फिर से जिंदा हो जाए। आइए आइए। हुजूर नवाब साहब, पूरे 5 साल से ये मकान बंद है, ना जाने कितने किस्मत आजमाने आए, लेकिन मैं तो ये फैसला कर चुका था कि ये मकान उन्हीं को दूंगा कि जिनके चेहरों से शराफत की बारिश होते देखूंगा। अमा, हम तो आपके इन सफेद कपड़ों का लिहाज कर गए, वरना अभी तक तो आप भीगे होते। बंदे ने जमाना देखा है और अब आप ये तारीखी मकान भी देखिए। कुछ सोचिए नहीं, फौरन किराए पर ले लीजिए। खुदा की कसम बहुत भागवान है। क्या पश्चिम है, मैं तो सर से पांव तक खिल गया। अब तू ही देख और पहचान, लड़की है कि चौधरी का चांद। चल वो, अभी अभी खुली थी, अभी अभी बंद। घायल मियां, आपका दिमाग खराब है। अबे मियां, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां तांक झांक नहीं करते। किसी ने देख लिया तो इतने जूते पड़ेंगे कि तबीयत साफ हो जाएगी। आइडिया 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 आइडिया, अंदर चलो 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 भाई। हमें मकान कम और जुग्राफिया ज्यादा पसंद आया है। ये लीजिए पेशगी, मकान मेरा हो गया। और ये लीजिए पेशगी मेरी तरफ से भी। जब ये मकान छोड़ेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। पश्चिम की खिड़की बंद,
पूरब की खुल जाएगी। जी साहब शुक्रिया। आ बस प्यारे आप कुछ मत सोचो, शायरी की पूरी खुराक मौजूद है। हाय अल्लाह को भूल जाओ और एक फड़कता हुआ चटकता हुआ तड़पता हुआ दीवान लिख मारो। घायल साहब फरमाइए। आप हजूर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप क्या समझे? यही कि मेरा जवाब नहीं है। जी नहीं। फिर आप बहुत खूबसूरत गधे हैं। आहा, एक भाई ने दूसरे भाई को क्या पहचाना है। अमा हाथ आने दो इसी बात पे। अमा आने दो ये। अमा अमा ये क्या ये क्या? जब भी मैं तुझे सर से लेकर पांव तक देखती हूँ तो अल्लाह मियाँ पे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? उसने मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया? और अगर लड़का होती तो क्या करती? खुदा की कसम इस हुस्न पे परवाने की तरह निसार हो जाता। और जानती हो तब मैं क्या करती? क्या करती? चल तू बहुत बेशरम। अच्छा ये तो बता, तेरे उस आशिक का क्या हुआ जिसे तू टकरा गई थी और तूने सारा किस्सा मुझे खत में लिखा था? न जाने कितनी बार वो मेरे बराबर से गुजरे, मैंने तो हर बार बोलना भी चाहा लेकिन मारी शर्म के बोल ना सकी। अरे आशिक से शर्म कैसी, रुमाल गिरा दिया होता जानबूझ के टकरा गई होती, नकाब लटती होती। एक दिन वो भी आया जब वो मेरे करीब थे। शाबाश। वो मुझे देखते रहे। उसको भी शाबाश। मैं उन्हें देखती रही। तुझको भी शाबाश। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। शाबाश शाबाश। अचानक किसी के आने की आहट हुई और मैं घबरा कर चली गई। सत्यानाश। ना तो उन्होंने मेरा पता पूछा ना ही मैंने उनका। हाय अल्लाह, फिर तो ये मोहब्बत की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मेरी जान, दिल पे चोट खाओगी तो जानोगी। जिसे तुम खत्म कहती हो दरअसल इश्क की कहानी वहीं से शुरू होती है। वाह वाह मियां मजनू, सुभान अल्लाह, क्या इश्क फरमाया है। पास रहते हुए भी तुझसे बहुत दूर है हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। जो है
इतने टाइटल अता फरमाए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे नाचिस की तारीफ बहुत छोटी सी है, घायल निगाह नाज से घायल, अबरूए खमदार से घायल, घनेरी जुल्फों से घायल, नुकीली पलकों से घायल। यू शट अप। माशाल्लाह से आप इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल लेती हैं। अरे टिकट सुनिए तो, सुनिए, आपको शर्म नहीं आती? आती है, मैं बहुत ज्यादा शर्मिला हूँ, लेकिन बेशरम बनने पर मजबूर हो गया हूँ। आप थिएटर जा रही हैं? आपका मतलब? मतलब ये कि दाखले का परवाना मेरे पास है, ये टिकट। एक आप रखिए, एक मैं रखता हूँ, दोनों साथ में देखेंगे। आप बड़े बेशरम। जी वो मालूम होता है बहुत कष्ट है आपको। जी आप मेरी वजह से गिर गई थी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कहीं चोट तो नहीं आई? अजी दूर से हमदर्दी मत दिखाइए, जरा करीब आइए तो हाल दिल सुनाओ। फरमाइए। हाथ में बात है, एक ही थप्पड़ में खोपड़ी के चारों कोने रोशन। साइकिल कहाँ है? अनवर, अनवर प्यारे, अरे मैदान मार लिया, जंग जीत ली, वी फॉर विक्ट्री। अबे जहाँ है वहीं से बोल, एल फॉर लोफर, लफंगा, लुच्चा, लपाड़िया। न लोफर, न लफंगा, न लुच्चा, न लपाड़िया। एल फॉर लव, यानी कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क। अच्छा तो हजरत घायल को भी जुकाम हो गया, जनाब भी इश्क फरमाने लगे? आप बकवास मत कीजिए, इश्क फरमाया नहीं जाता, हो जाया करता है। आज मैं भी एक लड़की से टकरा गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम एक दिन टकराए थे। बस इधर टक्कर हुई, उधर वो धड़ से जमीन पर गिरी, और गिरते ही मुंह से निकला, हाय राम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारी बुरके वाली के मुंह से निकला था, हाय अल्लाह। कहानी बड़ी दिलचस्प है, फिर क्या हुआ बरखुरदार? फिर मैं उसके करीब गया, अब वो शर्माई, मैंने हाथ बढ़ाया, उसने लरसते हुए मखमली हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, दिल धड़का, मन मंदिर में घंटे बजने लगे, टन टना टन, टन टना टन टन। झूठ, बिल्कुल झूठ, तुम उससे टकराए, चलो मान लिया, वो गिरी, इसका भी यकीन किया, उसके मुंह से निकला हाय राम, ये भी तस्लीम किया। तुमने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा, यूं ठीक। तुमने उसको उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा? बिल्कुल
बिल्कुल ठीक। और उसने घबराकर हाथ छुड़ा लिया? अरे बिल्कुल ही ठीक। और फिर उसने बड़े प्यार से बड़े जोर से एक झापड़ रसीद किया। मगर ये तुझे कैसे मालूम हुआ? अरे बेटा रस्तोगी, तुम्हारे गाल पे पंजाब का नक्शा साफ साफ नजर आ रहा है। पांचों दरिया रवानी से बह रहे हैं। कुछ परवाह नहीं, अभी तो एक थप्पड़ पड़ा है इसलिए 50% आशिक बन चुका हूँ। दूसरा पड़ते ही 100%। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चलूँ भाई? तुम यहाँ से मरो तो सही। चलो ना भाई, यार शेरवानी तो पहन रहे थे, तुम आजी हो या आशिक हो? 50-50, जल्दी आ रहा भाई। मोहब्बत को यहाँ तक आज के इंसान ले आए, जहाँ जन
खुश रहो। क्या बात है, परेशान नजर आ रही है? जी कुछ नहीं। तो जानते थे कि तुम मुझे स्टेज पे देखोगे और बर्दाश्त न कर सकोगे। तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था। मैं जानती हूं भैया, तुम्हें वहां स्टेज पर मेरे चारों तरफ बर्बादी के भड़कते हुए शोले नजर आए होंगे। तुमने उन शोलों में अपनी बहन को जलते देखा होगा। तुम्हारी गैरत को ठेस लगी होगी, तुम्हारा खून खौल उठा होगा। श्यापा जान, मैंने आपको स्टेज पे बर्बादी के भड़कते हुए शोलों में जलते हुए देखा। मैंने आपकी वो आवाज भी सुनी जो सिर्फ मेरे लिए फरियाद थी और तमाशाइयों के लिए साज और संगीत की डोर में गुंदी हुई गीत माला। तुम इस वक्त होश में नहीं मन पर, जाओ घर जाओ। मैं उस वक्त तक घर नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला देंगी कि आपने हमेशा के लिए स्टेज छोड़ दिया। बहन की हजार जाने भाई पे कुर्बान। लो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जिस दिन मेरी आरजू पूरी हो जाएगी तुम डॉक्टर बन जाओगे, मैं स्टेज छोड़ दूंगी। मुझे डॉक्टर नहीं बनना आपा जान, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे सामने गर्दन झुकाए, मैं नहीं चाहता मेरे हाथ आसमान को छूने लगे। आपा जान, मैं तो इन हाथों से सिर्फ अपनी बहन के कदम छूना चाहता हूँ। मैं आपके सामने दामन फैला के भीख मांगता हूँ, अपनी जिंदगी के बचे हुए अरमान मेरी झोली में डाल दीजिए आपा जान, अब मैं उनको परवान चढ़ाऊंगा। आखिर तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अनवर? क्यों बच्चों की तरह जिद किए जा रहे हो? तो आप थिएटर नहीं छोड़ेंगी ना? न छोड़िए, आपको मुबारक हो आपका थिएटर, मैं जाता हूँ। अनवर, आपका फैसला मैं सुन चुका हूँ, मेरा फैसला भी सुन लीजिए। आज के बाद आप मुझे देखने को तरस जाएंगे, मैं जान दे दूंगा आप जान खुदा। अनवर, अपनी जबान वापस लो भैया, लिल्ला फिर कभी ये ना कहना। लो लो, मैंने स्टेज छोड़ दिया। हमेशा के लिए स्टेज छोड़ दिया। अब्बा, क्या बात है उसना? जब से तुम अलीगढ़ से आई हो चुप चुप से क्यों रहती हो? इतनी बड़ी हवेली में मैं चुप न रहूं तो और क्या करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? भाईजान, कितना अच्छा होता अगर इस हवेली में भाभी जान होती। नन्हे नवाब होते, मुन्ने नवाब होते, छोटे नवाब होते तो इस चहल पहल में मैं भी आपको हंसती खेलती नजर आती। तुम तो हमारी मजबूरी जानती हो सुना, दिल जिसे चाहता है उसे हम इस हवेली के बेगम नहीं बना सकते। भाईजान, आप तो हमेशा ये कहते हैं कि वो अच्छे और बड़े खानदान की लड़की है, फिर वो इस हवेली की बहू क्यों नहीं बन सकती? हुस्ना, नजमा कल क्या थी ये कोई मानने को तैयार नहीं। दुनिया तो सिर्फ ये जानती है कि आज नजमा क्या है। दर्द, न रात को सो सकता हूँ न दिन को जाग सकता हूँ, न दिन को जाग सकता हूँ न रात को सो सकता हूँ। तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। अभी बराबर कर देती हूँ। शुक्रिया। अरे वाह, जब से थप्पड़ मैंने खाया एक आफत हो गई, आए बुते काफिर मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। हाय राम,
तुम शायर भी हो? जी हाँ बिल्कुल ताजा सुनिए, हर दफा खाया है मिलकर थप्पड़ तुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, ये कंपनी बाग अपने को नहीं सूट करता है। नहीं, व्हाट इज योर आइडिया? अरे वाह बाबूजी, रेशमी रुमाल ले लीजिए, सेकने के काम आएगा। सेकने को कितने पैसे? रुमाल के 4 आने, आईडी के 12 आने। आईडी के 12 आने, रुमाल के 4 आने? जवाब नहीं तुम्हारे। अनवर, अनवर प्यारे, आज इसकी तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो गए, उसने दूसरा झापड़ भी रसीद कर दिया। सच कहता हूँ, झापड़ जमा कर जैसे ही जाने लगी ना, तो मैंने एक आशकारा शेर चिपका दिया। रुक गई, मुस्कुराई और बोली, हाय राम, तुम शायर भी हो? और ये रुमाल गिराकर चली गई। सच कहता हूँ, अब तो मैं भी उस डिग्री का आशिक हो गया हूँ जिस डिग्री के तुम हो। तुम्हारी मोहब्बत हाय अल्लाह, मेरा प्रेम हाय राम। अरे उठ के चल दिया भाई, अपनी मोहब्बत से कोई दिलचस्पी नहीं है। घायल मियां, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। बेटे, तुम्हारे चचा मजनू को तो सिर्फ एक गम था, गमे लैला। ये तुम्हें गमे जाना के सिवा और कौन सा गम लग गया? बोलो 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 बेटे। अरे बोल। मैं नौकरी करना चाहता हूँ। घायल है, नौकरी करना चाहता है तू? क्या पढ़ना छोड़ देगा? हाँ दोस्त, कुछ मजबूरी ऐसी है। नौकरी तो मिल रही है, मगर किसी बड़े आदमी की सिफारिश की जरूरत है। शहर के सबसे बड़े आदमी को तो मैं जानता हूँ। कौन है? मेरा बाप। चचा जान से काम नहीं बनेगा घायल, सिफारिश किसी ऐसे आदमी की चाहिए जिसकी गवर्नमेंट में इज्जत। बिल्कुल ठीक, मेरे बाप की तो उधार लेने वालों में इज्जत है, गवर्नमेंट में इज्जत। ख्याल अच्छा है, आगे पढ़ो। हमें गुमान भी होता नहीं मोहब्बत का, कुछ इस तरह से मोहब्बत निभाई जाती है। हुस्ना, सही लफ्ज निभाई है, निभाई नहीं। किसी अच्छे शायर से इस्लाह लोगी तो ये गलतियां भी दूर हो जाएंगी और तुम्हारे कलाम में पुख्तगी भी आ जाएगी। सरकार, आपसे कोई साहब मिलने आए? बुला लो। अरे आप आइए आइए। हाथ आप जलाता हूँ। खुश रहिए अनवर मियां। मैं भी नमस्ते बजलाता हूँ। कैसे हैं घायल साहब? अभी तक घायल। बहुत आप लोगों को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आइए भाई, हमें आप लोगों से शिकायत है, आप लोग बहुत दिनों के बाद मिलने आए हैं। क्या आज करूं हुजूर, जब से लखनऊ आया हूँ कुछ उलझने बढ़ गई। खैरियत तो है, हमें भी बताइए। नवाब साहब बात यह है कि वो क्या बात है घायल साहब? हुजूर बात यह है कि आजाद प्रेस से नौजवान पर्चा निकलता है, उनको एडिटर की जरूरत है, ये चाहते हैं कि वो जगह इनको मिल जाए। भाई आजाद प्रेस के मालिक मुरलीधर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम अभी उनको टेलीफोन कर देते हैं। आजाद प्रेस, मैं मुरलीधर साहब से। अम्मा मुरली, तुम? हमने सुना है। हाँ बुलंद अख्तर भाई, हमने सुना है कि तुम्हें अपने अखबार के लिए एडिटर की जरूरत है, हमारे एक अजीज दोस्त ने दरख्वास्त दी है। मिर्जा अनवर हुसैन भाई, कुछ भी हो यह जगह उन्हीं को मिलनी चाहिए, हम पर बड़ा एहसान होगा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए साहब, आपका काम हो गया, तशरीफ रखिए। नवाब साहब, मैं आपके इस एहसान का बदला। अरे भाई एहसान कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। ओ हुजूर कुछ भी कहें, लेकिन अनवर मियां आपके एहसान से दब गए। देखिए ना, गर्दन भी झुक गई, आप खड़े होंगे तो कमर भी झुकी हुई मिलेगी। अगर ये बात है अनवर मियां, तो आप भी हम पे एक एहसान कर दीजिए। हुक्म कीजिए हुजूर। भाई हमारी छोटी बहन को शायरी से बहुत दिलचस्पी है, अगर आपको जहमत ना हो तो उसके कलाम पर कभी कभी इस्लाह कर दिया कीजिए। ये इस्लाह है तो नहीं, लेकिन गर्दन सीधी करने के लिए आपका हुक्म बजा लाएंगे। साहब आप बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं। हुजूर शेर भी दिलचस्प कहता हूँ। अर्थ क्या है, जिंदगी से जो कसम आया हो, जिसको मरना ही रास आया हो, वो बुते बेवफा से प्यार करे जिसको कुत्ते ने काट खाया हो। आप लोग जरा लेट आते नहीं, शेर मुश्किल था। भाई
तुमने हमारे कहने से थिएटर छोड़ दिया हमें बहुत खुशी हुई। अगर मान सको तो हमारी एक बात और मान लो, तुम्हारे सर की कसम ये हमारी आखिरी इल्तिजा होगी। इल्तिजा वो करे जो हुक्म ना दे सकता हो, जिंदगी मांग के देखिए। हम जिंदगी लेना नहीं, जिंदगी देना चाहते हैं। जिंदगी तो मुझे उसी दिन मिल चुकी जिस दिन आपकी आंखों में मैंने अपनी शक्ल देखी थी। उस दिन तुम्हें जिंदगी नहीं, हमारी मोहब्बत मिली। बात खत्म हुई हुजूर, आपकी मोहब्बत ही तो मेरे लिए जिंदगी है। नहीं नजमा, हमारी मोहब्बत तुम्हारे लिए जिंदगी नहीं, मौत है। मेरे हुजूर, ऐसी मौत तो नसीब वालों को नसीब होती है। दिल को झूठी तसल्ली न दो नजमा, हमारी मोहब्बत तबाही और बर्बादी के धागों से बुना हुआ एक जाल है जिसमें तुम उलझ के रह गई हो। लेकिन लेकिन हम तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम्हारी भलाई के लिए तुम पर से हम अपनी हजार जानें कुर्बान कर देंगे। आज हुजूर के मजाक का अंदाज कुछ निराला है। ये मजाक नहीं, ये हकीकत है जो आज हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम अगर शादी तुमसे करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। हमारा ऊंचा और बावकार खानदान सदियों से बेदाग चला रहा है। हमारे खानदान के किसी फर्द ने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जमाने ने हमारे बाप दादा के नाम पर उंगलियां उठाई हों। लोग सदियों से फकरिया यही कहते चले आए हैं कि चांद और सूरज में दाग है, लेकिन नवाब मिर्जा जहीरुद्दीन हैदर चंगेज के खानदान में दाग नहीं। अब तुम ही बताओ नजमा, जिसकी शक्ल पर जमाने को दाग और धब्बे नजर आ रहे हैं उसको हम इस अछूते खानदान की बहू कैसे बनाएं? आपके मुकद्दस कदमों की कसम, मैं आपके खानदान की बहू बनूं। मैंने ये ख्वाब कभी नहीं देखा। मेरे आका, मेरी भलाई की आड़ लेकर मुझसे मुंह न मोड़िए। जिस दिन आप नजरों से दूर हो जाएंगे ये आंखें बेनूर हो जाएंगी। नहीं नजमा, यकीन रखो आज का डूबा हुआ सूरज कल तुम्हारे लिए नई रोशनी लेकर आएगा। दुनिया में सब हमारी तरह मजबूर नहीं। नजमा, तुम किसी से शादी कर लो। मोहब्बत को सुहाग का जोड़ा पहनाया जाए मेरे मोहसिन, ये जरूरी नहीं। नजमा, तुम हमको और हमारी मजबूरियों को समझती क्यों नहीं? मुझे मेरे हाल पे छोड़िए और आप अपनी दुनिया बसा लीजिए। आपके खानदान को एक ऐसे चिराग की जरूरत है जिसकी रोशनी में कल आपका खानदान इसी तरह जगमगाएगा जिस तरह आज आपकी रोशनी में जगमगा रहा है। नजमा, अब तो हम ये चाहते हैं कि हम पर और हमारी इस हवेली पर अंधेरा छा जाए और ये अंधेरा वक्त के साथ साथ इतना बढ़े जो हमारी जैसे तमाम उन हवेलियों को ढांक ले जिनकी चमक बिजली बन के गिरती है और तुम जैसी मजबूरों और बेसहारों को जलाकर राख कर देती है। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तस्लीम। आला बरस। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से तारीफ की जरूरत तो होगी नहीं? जी नहीं, आप भाईजान के दोस्त हैं मैं जानती हूँ। चंद अशआर इस्लाह के लिए पेश करती हूँ, ये लीजिए। माफ कीजिए, मैं इस्लाह करने से पहले आपसे किसी दूसरे शायर के चंद अशआर सुनना चाहता हूं ताकि आपकी पसंद का अंदाज लगाते हुए आपको एक कामयाब शायरा बनने में मशवरा दे सकूं। कुछ ही दिन हुए
एक नज्म सुनने का इत्तेफाक हुआ था। नज्म ने दिलो दिमाग में अपना घर बना लिया है। बहुत खूब, सुनाइए। नज्म का उन्वान है मेरे महबूब। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे। आपने ये नज्म कहाँ सुनी? खुदा ना जल्द बताइए, इस नज्म में किसी की मोहब्बत का राज पोशीदा है। किसकी मोहब्बत का राज? जी जी, वो मेरे एक दोस्त की मोहब्बत का राज। क्या आप अपने दोस्त को जानते हैं? जानता ना होता तो दोस्त कैसे कहता, मगर आप मेरे दोस्त के लिए क्यों पूछ रही हैं? जी मैं वो मैं अपने लिए नहीं, अपनी एक सहेली के लिए पूछ रही हूँ। दरअसल बात यह है, ये नज्म मेरी सहेली की जिंदगी का सहारा और लुटी हुई मोहब्बत की यादगार है। ये नज्म शायद ने मेरी सहेली के लिए कही है। क्या वो अलीगढ़ में पढ़ती हैं? जी हाँ। फिर तो ये वही है। कौन? जिनकी मोहब्बत में मेरे दोस्त की आंखों से टपके हुए ये खून के आंसू इस नज्म के सांचे में ढलके रह गए हैं। यकीन कीजिए, आपकी सहेली से बिछड़कर मेरा दोस्त बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। मेरी सहेली की भी यही हालत है, ना आंखों में नींद है ना दिल में करार है, हर घड़ी यही दुआ मांगती है, परवरदिगार उनसे फिर मिलना नसीब ना हो तो मौत दे दे। ऐसा ना कहिए, खुदा आपकी सहेली को इतनी उम्र दे जितने आसमान में तारे। अब ये बताइए, क्या आप इन मोहब्बत करने वालों को जो एक दूसरे से अलग अलग तड़प रहे हैं मिलाने में मेरी मदद कर सकेंगी? क्यों नहीं, ये मेरी सहेली की जिंदगी का सवाल है, आप हुक्म दीजिए। तो जितनी जल्द हो सके अपनी सहेली तक मेरे दोस्त का सलाम पहुंचा दीजिए। मैं ये खुशी की खबर लेकर आज ही जाऊंगी। आप भी अपने दोस्त से मेरा सलाम, मेरा मतलब मेरी सहेली का सलाम कहिएगा। तस्लीम। खुश रहिए। अबे घायल! अरे होश में, अरे होश में हूँ, 100% होश में हूँ। तो फिर मेरे भाई होश की बात कर। अरे घायल, आज मैंने पश्चिम से सूरज निकलते हुए देखा है? जमीन से बारिश होते हुए देखी है? और आसमान पर मेरे अरमानों की खेती लहलाने लगी। चलो छुट्टी हुई है? आशिक गया काम से। बेटे तुम दीवाने हो गए, मैं तुम्हारा कुर्ता फाड़कर गली में छोड़ देता हूँ, लड़के तुम्हें पत्थर मारेंगे जरूर। और जानते हो मेरी हयल्ला उस वक्त क्या कहेगी? क्या हाय कहेगी? कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। अबे हाय अल्लाह मिल गई क्या? अरे तो ऐसे क्या बकवास कर रहा हूँ, तो फिर बोल हाय अल्लाह। हाय अल्लाह, हाय राम, हाय अल्लाह, हाय राम, हाय अल्लाह, हाय राम, हाय अल्लाह, हाय राम। अरे अरे हुस्ना, अरे अच्छा सुन तो। ओह ये क्या पागलपन है, दीवानी हो गई है क्या? हाँ मेरी जान। क्यों? अरे क्या उनका पता चल गया? हाँ, अल्लाह ने दर्जन बच्चों का बाप बनाए। बेशरम कहेंगी, अपने लिए खुद ही बच्चे मांग रही है। चल हट, मैं तो उनके लिए कह रही हूँ जो मुझे शायरी सिखाने आते हैं। अरे वो उनके दोस्त हैं। अच्छा? हाँ, नसीम आज का दिन कितना मुबारक है, जी चाहता है मैं नाचूं गाऊं सारा लखनऊ सर पे उठा लूं। अच्छा तो आपकी हाय अल्लाह अपने नवाब साहब की बहन की सहेली है? अबे हाँ, गुलठा सिंह के गुडनू, और जिस तरह मैं उसकी मोहब्बत में दिन रात तड़पता रहता हूँ ना, उसी तरह वो भी मेरी मोहब्बत में बेचैन है। अरे वाह! मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ
अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है, दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम, से ढूंढते थे हम गली गली वो मकान के पिछवाड़े ही मिली। भाई मानते हैं मुकद्दर हो तो तुम्हारे जैसा। आपने मेरा सलाम अपनी सहेली तक पहुंचा दिया। आपका सलाम? जी मेरा मतलब है मेरे दोस्त का सलाम। जी हाँ, सलाम के जवाब में सलाम लाई हूँ। बस और कुछ नहीं कहा? बहुत कुछ, लेकिन पहले आप बताइए। मैंने जब आपकी सहेली का सलाम अपने दोस्त से कहा, उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, उसकी बुझी हुई आंखें रोशन हो गई। अल्लाह, फिर क्या हुआ? क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। और जब मैं सलाम लेकर पहुंची तो वो मायूस से मोहब्बत अपनी तमन्नाओं के मजार पर आंसुओं के फूल चढ़ा रही थी। मैंने कहा, आंसू न बहा, मैं तेरी अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए उनका सलाम लाई हूं। फिर क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। आपकी सहेली का नाम क्या है? जी मेरी सहेली नसीम आरा। नसीम आरा, कितना खूबसूरत नाम है। नवाब साहब आ रहे हैं। आदाब अर्ज़। खुश रहिए अनवर मियां, मिजाज तो अच्छे है ना? भाईजान, क्या आपका तखल्लुस अनवर है? अरे भाई, हम तो इनका नाम और तखल्लुस बताना भूल ही गए। आपका नाम है अनवर हुसैन अनवर। अनवर हुसैन अनवर, इसमें हैरान होने की क्या बात है? जी नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लगना ही चाहिए, तुम भी अलीगढ़ में पढ़ती हो और अनवर मियां भी, और सोने पर सुहागा तो ये है अनवर मियां यूनिवर्सिटी के मशहूर शायर भी है। आप अलीगढ़ में पढ़ती हैं? जी हाँ। और आपकी सहेली नसीम आरा? नसीम आरा वो तो अलीगढ़ में नहीं पढ़ती, क्यों?
आप कह रही थी कि उन्होंने मेरी नजम मेरे महबूब अपनी सहेली से सुनी है। तो भी बनाने से बाज नहीं आई क्या उसना? बड़ी शरीर है, खुद अलीगढ़ से सुनकर आई है, दिन रात गुनगुनाती रहती है और आपसे कहती है कि अपनी सहेली से सुनिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मेरे महबूब से मिला दिया। अनवर मियां जी, सामने साज है, आपके पास आवाज है और मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है। हुक्म दीजिए नवाब साहब, कोई ताजा कलाम सुना दीजिए।
हजरा, दुनिया को शेर सुखन की कितनी जरूरत है शायद आप लोग पूरी तरह से नहीं समझे। यूएनओ के होते हुए भी दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमने ये शायर क्लब इसलिए खोला है कि हमारा ये क्लब एक दिन जरूर यूएनओ की जगह लेगा। पूछिए कैसे कैसे, हमारा नाश्ता आ रहा है, सब लोग पूछिए ना। कैसे? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि शायर के ख्यालात नाजुक, मिजाज नाजुक, दिल नाजुक, इसलिए अगर शायरी सारे जहां में जोर पकड़ जाए तो हर जगह नजाकत ही नजाकत छा जाएगी, और जहां पर नजाकत है वहां लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है। आप भी बताइए बताइए बताइए। नाश्ता ख्याल रहे। लिहाजा शेरो सुखन की खिदमत के लिए मेरे रईस बाप की सारी दौलत हाजिर है। जैसे ही पिताजी खुश हुए सुधर जाएगी तकदीर शायरी। फिर हर शायर के लिए नया कुर्ता, नया पाजामा, पान की बेशुमार गिलौरियां होंगी। इत्मीनान से पान चलाइए और शेर सुनाइए। क्योंकि पूछिए क्योंकि क्या, क्योंकि क्या? क्योंकि शेरो सुखन से इश्क है मुझे, शायरी ही मेरी जिंदगी है। शेर तो आगे आ रहा है। शेरो सुखन पे इस कदर माइल हुए, शेरो सुखन पे इस कदर माइल हुए। क्या बेमिसाल रिश्ता है सेठ जी, इससे अच्छा रिश्ता आपको अपने बेटे के लिए ना मिलेगा। लड़की कैसी है पंडित जी? लड़की यही 16-17 की। सेठ जी, पंडित जी, 16-17 लाख या करोड़? जी नहीं सेठ जी, लड़की की उम्र है 16-17 की। वैसे लड़की के बाप के पास 40-50 लाख रुपया है। 40-50 लाख? बहन भाई कितने हैं? इकलौती लड़की है। इकलौती? तो पंडित जी कल परसों का ही शगुन निकाल दीजिए। शगुन बाद में निकलता रहेगा, पहले ये बताइए पंडित जी, लड़की में कोई खोट तो नहीं? कोई खास खोट नहीं है सेठानी जी, लड़की बहुत अच्छी है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। सिर्फ बचपन में एक आंख माता देवी की भेंट हो गई थी। हाय राम, कहानी है तो क्या हुआ, शीशे की आग लगवा देंगे, फिरोजी आग, असली आग भी मात हो जाएगी। पंडित जी आप फौरन शुगर निकलवाइए। हरगिज नहीं, मैं दौलत के लिए अपने बिंदा को नहीं बेचूंगी। अरे बिंदा तो क्या, बिंदा का बाप भी रुपयों के लिए बिका था। अगर तुम्हारे बाबा ने 1 लाख खना खन्ना गिने होते तो तुम्हारी तरफ देखता कौन, हम परी ब्याह के लाते परी। ये मुंह और मसूर की दाल, अरे मुझे बहू बनाने के लिए तुम्हारे बाबा ने नाक रगड़ी थी हमारी चौखट पर। खबरदार जो झूठ बोली, तेरे बाबा खुद अपनी चौखट लाए थे मेरे बाप की नाक पर रगड़ने के लिए, इसलिए ये शादी जरूर होगी। सेठ जी तो फिर मैं रिश्ते की बात चलाऊं? पंडित जी चलाइए नहीं, दौड़ाइए लपकिए और जाकर फौरन हमारी तरफ से हाँ कह दीजिए। अरे चुप कर कंबख्त, अभी मैं जिंदा हूँ मरा नहीं हूँ, रोना पीटना शुरू कर दिया है। चौबे किशन, ये इतनी ढेर सी चाय और इतना पकवान कहाँ लेकर जा रहे हो? छोटे लाला ने शायर क्लब खोली है, नीचे कई शायर आए हैं, ये सब उन्हीं के लिए है। शायर क्लब खोली है तो क्या घर में शायर घुस आए हैं? कन्हैया लाल की सूद दर सूद की कमाई शायरों में उड़ाई जा रही है। अरे मैं किसी को नहीं खाने दूंगा, एक एक शायर को भूखा मारूंगा। लाइडर लाइडर के, कहां है मेरी छड़ी? छोड़ छोड़ छोड़। तुम क्या करोगे मेरे लाल को? तेरे लाल को नीला करने जा रहा हूँ, इतनी पिटाई करूंगा कि सर से पांव तक नीला ही नीला नजर आएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ मुझे, हट हट। इस पे मचले है कि हम आके तेरा घर देखेंगे। आफरीन है घर साहब, वल्ला क्या खूब इसलाह फरमाई है आपने। ठीक है ठीक है, और कोई शेर है? उस्ताद जी हमारा भी एक शेर सुनिए। इरशाद। लेके मटकी
हीर ज सटकी रंजे दी सा दिल भी चटकी। सटकने व अटकने से आपने कुछ फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन हीर रांझा में इन अल्फाजों को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था। अम्मा जाने दो, क्या दम रखा है रांझे? आप लोग भी सुनिए, रांझे का दिल पहलू से सटका, हीर की जुल्फों में जा अटका। लेकर सोटी हम जो सटके, माँ को तेरी बेहद खटके। या वहशत, बिल्कुल शायराना हुलिया, गरीबा चाक दामन तार तार। दोस्तों ये कोई मामूली शायर नहीं, ये तो खलीफा मालूम होते हैं खलीफा, इन्हें हाथों हाथ लो। सही हाथ। अरे देखता हूँ मुझे कौन हाथों हाथ लेता है। शायर का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले पूरे महल्ले में, जरा घूम के निकले। तस्लीम, सुभान अल्लाह, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस की आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। छोड़ दीजिए, किसी ने देख लिया तो रुसवाई हो जाएगी, छोड़िए ना। हुस्ना, हाय अल्लाह, का ख्वाब टूट गया, मिल गए तुम हिजाब टूट गया। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे। गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज दिल इशारों में, काम हम पे मिसाल कर बैठे, काम हम पे मिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कितने मजबूर हो गए दिल से, कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर
सोच समझ बगैर कातिल से जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। ये अदाएं ये शोखियां तावा, बस खुदा ही खुदा है उस दिल का जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। सितारे डूबते जाते हैं हुक्का पी रहा हूँ मैं, सितारे डूबते जाते हैं हुक्का पी रहा हूँ मैं, हर एक दम पर चिलम की आग मध्यम होती जाती है। निदामे उम्र इंसा भी इसी से मिलता जुलता है, साथ आते हैं जितने जिंदगी कम होती जाती है। ये है अच्छा, और ठहर जा और ठहर शंडी फ्लैट, किधर को जाता है इधर जी, मैं और डरपोक डाबूतर कांपता क्यों है, भवन इसे जानता है, इनको नहीं तो मैंने कभी भी नहीं देखा आपकी तारीफ। पागल डाबूतर ये मेरी बेटी है, आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है, जिस गलती गलती चल मुझे अपने बाप के पास लेके चल, अपने बाप के पास। आज यूं दूर उन्हें इंतकाल फरमाए हुए तो एक अरसा हो चुका है, वो प्रेम करता है और बात बात पे झूठ बोलता है, चल मुझे अपने बाप के पास लेके चल, मैं उससे मिलकर तेरी शादी पक्की करना चाहता हूँ। मेरी शादी? अरे वेरी गुड, फिर तो वो जिंदा है। फादर इन लॉ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सुपुत्री को सुखी रख सकूं। ओ खुश रहो शंटी फ्लैट। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे में हम लौटे, क्या बक रहा है? जो मैं अर्थ कर रहा हूं उसको समझने के लिए भेजे की जरूरत है। क्या देख रहा है? कहीं आपके जूते शरीफ करीब ही मैं तशरीफ न रखते हूं। नहीं शुक्र है। क्यों? आप ही के भले के लिए पिताजी, जब आपके करीब जूता ही न होगा तो जूतेबाजी का शौक आपको चर्राएगा ही नहीं, और जो साहब आए हैं वो जरा नाजुक से हैं। अबे कोई शायर तो नहीं पकड़ लाया है मेरे पास? अब पकड़ धकड़ का शौक जनाबे घायल को नहीं, अलबत्ता लाया जरूर हूं, शायर होते तो सर आंखों पर लाता, अब फिलहाल यटके पर लाया हूं। अबे अगर वो शायर नहीं तो तेरे साथ क्यों आएंगे? बिंदा मुझसे कुछ लेन देन की बातें करने तो नहीं आए हैं? है कुछ इसी तरह का सिलसिला, लेकिन छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लेन देन है। सच बिंदा? जनाब उम्र भर वाला लेन देन। उम्र भर वाला लेन देन? अरे शाबाश बेटे शाबाश, तूने अपने खानदानी धंधे में दिलचस्पी लेना शुरू भी की तो किस शान से। अरे ऐसा मोटा आसामी तो मैं आज तक ना पाल सका। क्या कहा सेठ जी, आप समझते हो इस मोटे को फांस रहे हो तुसी? नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो पिताजी मोटे आसामी का जिक्र कर रहे थे, आसाम देश का रहने वाला आसामी। आसामी और शंटी फ्लैट, हम तो पंजाबी होते हैं। जवाब नहीं पंजाबियों का। आइए आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू शंटी फ्लैट। हम तो पंजाबियों को अपना ही समझते हैं। सच जी। बात यह है तेरा सारा चंगा नजर आंदा है। सेठ जी ये मेरी कुड़ी है। कुड़ी है? क्यों बेटी किस बात पर कुड़ रही हो? पिताजी आप फरमा रहे हैं कि आप आपकी बेटी हैं। आपकी बेटी है तो हमारी भी बेटी है। ये की ना मर्दा वाली बात, आओ गले मिल जाए।
अब हुई ना बात पक्की, अब हुई बात पक्की, अब हुई ना बात पक्की। आओ हम भी बात पक्की कर ले। चलो आटे। अब हुई बात पक्की। जनाब जनाब, बात कुछ इस तरीके से पक्की की है आपने कि मेरी तो हड्डी पसली कच्ची हो गई है। खैर बात तो पक्की हो जाएगी, पहले ये फरमाइए कि आप सूद कितना देंगे। सूद? ओ मुड़िया, ये कैसी रस्म है तुम्हारे यहाँ जो बहू के साथ सूद भी वसूल करते हैं? क्या कहा, इस लड़की को आप मेरी बहू बनाने के लिए लाए थे? और क्या, गिरवी रखने के लिए लाया हूँ? शैंटी फ्लैट जो तुम्हें चाहिए बोलो, कितना दहेज चाहिए? 20-25 हजार रुपया दे दूंगा। आप सब दे देंगे? तो आइए आइए, तशरीफ लाइए। चलिए तुम भी आओ बेटी, जाओ जाओ। ये क्या है? दरवाजा। आप इसी दरवाजे से अंदर तशरीफ लाए थे ना? जी हाँ। तो इसी दरवाजे से बाहर निकल जाइए। क्या कहा? कुढ़ी समेत फुर्ती से। अल्लाह, जरा तमीज से गल कर, अगर तू इस सोने मुंडे का बाप ना होता तो देखता मैं तेरा किस फुर्ती से कचुमर बना देता। और चल कुड़िए, शंटी फ्लैट आए हैं शादी करने। शट अप शंटी फ्लैट, चल कुड़िए। अंदर आ जाओ घैलमिया, क्यों ठक ठक कर रहे हो? माफ कीजिएगा, आप शायद गलती से इस घर में आ गई। जी नहीं, मैं तो आप ही के पास आई हूँ। मेरा मतलब है भेजी गई हूँ। किसने भेजा आपको? सामने की हवेली में जिन्हें आप हमेशा देखते हैं, मैं उनकी नौकरानी हूँ। दरवाजा न खुलने से बीबी नसीमारा बहुत परेशान है। उनको दिन रात यही फिक्र है कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं। मेरी तबीयत? जी नहीं, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। अल्लाह करे आप हमेशा अच्छे रहें, आपकी आई मुझे आ जाए। जी सुनिए सुनिए, तमीजा तेरी नसीम बीवी घर में है? जी घर में नहीं, बुर्के में है। अरे ये नौकरानी का बुर्का पहनकर हुजूर कहाँ तशरीफ ले गई थी? अपने महबूब को देखने। खिड़की वाले को? हाँ। कैसे हैं, गोरे या काले? गोरे। लंबे हैं या ठेंगे? लंबे। और चौकटा कैसा है? हुस्ना, ऐसा मालूम होता है जैसे अल्लाह मियां ने अपने हाथों से बनाया है। जा जा, अपने हाथों से तो अल्लाह मियां ने सिर्फ मेरे महबूब को बनाया है। मेरी जान, आज ही जलवा देख कर आ रही हूँ। सच? जल्दी बता, कब देखा, कैसे देखा, कहाँ देखा? वो जो मेरे अशार पर इसला करने आते हैं ना? हाँ हाँ। अरे वही मेरे वो निकले। हाय अल्लाह, ये उस्ताद जी तो बड़े तीरंदाज निकले। नाक नक्शा कैसा है? मत पूछ, हुस्न कहते हैं उन्हें, नूर का शोला वो है। जो कभी दूर पे चमका था वो जलवा वो है। समझे समझे, मेरी जान, मेरे महबूब में नजाकत है, होगी मेरे महबूब में लताफत है, होगी मेरे महबूब में मोहब्बत है, होगी निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। मैं
जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा तो दिया। लेकिन अब ये फैसला कैसे हो कि सचमुच किसका महबूब ज्यादा खूबसूरत है? हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अपना दिखाई देती हूँ, तू अपना दिखा दे। बात तो ठीक है लेकिन रूखी फीकी है, कुछ शर्त लगे तो चटखारा आए। लगी शर्त, जो कहेगी वो हारूंगी। मंजूर। कब दिखाएगी अपना महबूब? ना बाबा, पहले तू अपना महबूब दिखा। चलिए भी मंजूर। अच्छा मैं चली। मगर भी हुस्ना, आप अपने महबूब को दिखाएंगी कब? कल रात को मेरे घर पर पाई बाग में। खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, फरिश्ता हो तो बहक जाए। हाद में क्या है भाई, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बुत तराश का बुत कहूँ या किसी मुसव्वर का शाहकार है? भाईजान मेरी मानी तो कुछ ना कहिए, बस पी ही जाइए। पिला तो उसने हमें निगाहों से दी। नसीब कौन है ये लड़की? जी मेरी सहेली। भाई वाह, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम। खुदा की कसम हमारी नजरों के सामने से आज तक इतनी हसीन लड़की नहीं गुजरी। संभलिए मुन्ने राजा, कहीं बेहोश ना हो जाए। हम होश में कब है नसीम, अब तो हमें होश मिलाना तुम्हारे इख्तियार में है। किसी भी तरह हमारी उससे शादी करा दो। अच्छा? नहीं तो सहरा में जो मजनू की हालत हुई थी वही हमारी लखनऊ में होगी। भाईजान जरा आसमान से जमीन पे तशरीफ लाइए, वो नवाब बुलंद अख्तर साहब की छोटी बहन है। आए, बहुत अफसोस की बात है। हुजूर क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं हुस्ना की शादी अब जल्द कहीं हो जानी चाहिए, माशाल्लाह वो सियानी हो गई है। क्या किसी घर से रिश्ता आया है? जिन घरों से निस्बत आनी है वो घर हमें पसंद नहीं है, सिर्फ दौलत है उनके पास, ना तो उनके पास तालीम है ना वो अच्छे चाल चलन के मालिक हैं। कबूतर बाजी बटेर बाजी वल्ला न जाने किन किन बाजियों में उलझे हुए हैं। सब पे खाक डालिए हुजूर और किसी होनहार लड़के को तलाश कीजिए। एक लड़का है हमारी नजर में, खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, उसके खानदान को तो हम नहीं जानते लेकिन उसके चेहरे पर शराफत का नूर और आंखों में खानदानी चमक जरूर है। फिर देर किस बात की है? सोचने की बात यह है कि लड़का गरीब है, हाल ही में नौकरी मिली है। गरीब है तो क्या हुआ, इल्म की दौलत तो है उस बेचारे के पास। हुस्ना बीबी की किस्मत को उस गरीब के साथ शरीक होने दीजिए, इंशाल्लाह अमीर और कबीर बनते देर नहीं लगेगी। चलो तुम्हारे मशवरे ने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। उनसे मिलाने के लिए मैंने तुम्हें बुला तो लिया लेकिन अब मिलाऊंगी कैसे? उन्हें देखते ही मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा और मैं बोलना ही भूल जाऊंगी। यकीन ना हो तो दिल छू के देख लो, उनके आने के ख्याल से बल्ली उछल रहा है। ठहर जा अभी देखती हूँ। अरे हाँ हुस्ना, तेरा दिल तो ऐसे भाग रहा है जैसे मालगाड़ी का इंजन। चलो हटो, किसी की जान जा रही है और तुम अपनी अदा दिखा रही हो। अच्छा तो एक काम कर, तू दोनों हाथों से दिल थाम के छुप जा, मैं उनसे मिल भी लूंगी और अगर पसंद आ गए तो इश्क भी लड़ा लूंगी। अरे वो आ गए। भागती कहाँ है, इश्क नहीं लड़ाएगी। चल हट, बेशरम कहीं की। से झुकी हुई इन पलकों को ऊपर उठा, बखुदा
मैं इन आंखों में अपनी मोहब्बत की तस्वीर देखने के लिए बेचैन हूं। तुम्हें तुम्हारी कसम हुस्ना, मेरी तरफ देखो। मुझ बदनसीब की जिंदगी में हजारों मन्नतों मुरादों के बाद आज की रात आई है। नजर के मिलते ही होशो हवास खो बैठे, ये इब्तिदा है तो क्या होगी इंतहा मेरी। चुप क्यों हुस्ना, बुलाया है तो कुछ बात करो। जी जी मैंने नहीं बुलाया। नहीं बुलाया? जी बुलाया, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी सहेली के लिए। सहेली के लिए? जी हाँ, मेरी उनकी शर्त लगी है। वो कह रही थी मेरा महबूब ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं, मेरा महबूब, हाय अल्लाह हुस्ना। मेरी सहेली देख रही है जी, वहां छुपी हुई है। मैंने कहा बाहर तशरीफ लाइए, शर्माइए नहीं, आइए और मुझे देख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा, आपका महबूब मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। आप इसलिए घबरा रही हैं कहीं मैं आपको देख न लूं? घबराइए नहीं, मैं अपनी आंखें बंद किए लेता हूं। आप बेधड़क आइए और आकर अपने महबूब से मेरा मुकाबला कर लीजिए। लीजिए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तस्लीम। आधा वर्ष है। कहिए कैसा हूं मैं? वाह क्या बात है, सारी दुनिया का हुस्न एक तरफ, आप एक तरफ। आप तो दिल रखने वाली बात कर रही हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपके सामने तो मेरा महबूब ऐसा है जैसे जैसे हकीकत के सामने ख्वाब। देखिए मजाक मत उड़ाइए, मैं हर रोज शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ। जरूर देखते होंगे, लेकिन आपने कभी अपने आप को मेरी आंखों से नहीं देखा। आप मेरी सहेली को देखकर हैरान क्यों हो रहे हैं? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। कहिए अनवर साहब, कहाँ खो गए? जी आपको देखकर बस ऐसे लगा जैसे पहले भी कहीं देखा है। जी दरअसल बात यह है कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर ये तो चक्कर आ गए हैं। तुमने ठीक कहा हुस्ना, खुदा नजरे बस से बचाए। तुम्हारी सहेली वाकई बहुत खूबसूरत है। जर्रा नवाजी का शुक्रिया। अच्छा हुस्ना, लो मैं हार के जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाले उनसे कह दो मैं घर में नहीं हूं। मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आपका यह एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। एहसान तो मैं भी आपका नहीं भूलूंगी। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी वजह से आपके दिल को जो ठेस पहुंची, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अल्लाह गवाह है, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैंने हुस्ना को देखा ना था, अचानक एक दिन आपके घर से अपनी नजम सुनी, आपको देखा और हुस्ना समझ बैठा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, अगर शिकवा है तो कातिबे तकदीर से।
जिसने मेरे साथ ये मजाक किया। अनवर साहब, आपसे एक इल्तिजा है, मेरी बदनसीबी की कहानी हुस्ना को मत सुनाइएगा। खुदा हाफिज़। हम इस रौनक महल की बेगम है, नसीम आरा मेरे भाई की लड़की है, हमने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है, हमेशा बड़ी से बड़ी कीमत देकर हमने उसके लिए खुशियां खरीदी हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आज उसी बेटी की खुशी के लिए हम तुमसे उसकी मोहब्बत खरीदना चाहते हैं, बोलो क्या कीमत लोगे? बेगम साहिबा, मोहब्बत इबादत है, इबादत की जाती है, बेची नहीं जाती। मैं समझ गई, तुम हुस्ना के लिए नसीम आरा को क्यों ठुकरा रहे हो? तुम समझते हो नवाब बुलंद अख्तर के पास हमसे ज्यादा दौलत है? अनवर मियां, बुलंद अख्तर का ठाट बाट सिर्फ दिखावे का है, उनका बाल बाल कर्जे में बिंधा हुआ, अगर जज ना होते तो टके में तीन बिक गए होते। मैं इजाजत चाहता हूं, आधा वर्ष है। लो बेटा। शुक्रिया खालाजान। जीती रहो। मियां अख्तर, लखनऊ के हर घर में हुस्ना की सूरत और सीरत के चर्चे हो रहे हैं, हर घर की यही आरजू है कि हुस्ना उनके घर की बहू बने। अब देखिए खालाजान, हुस्ना के नसीब हुस्ना को कहां ले जाते हैं। अरे बेटा, अल्लाह ने चाहा तो हुस्ना की डोली ऐसे दरवाजे पे जाएगी जहां हाथी झूमते होंगे। हमें तो लखनऊ में ऐसा कोई घर नजर नहीं आता। तुम्हें नजर आता हो, मुझे हुस्ना की फिक्र थी, मैंने घर ढूंढ लिया है, लाल हवेली से नवाब मुन्ने राजा का रिश्ता लाई हूँ। खालाजान, हमें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। अगर लखनऊ के हर घर में हुस्ना की सूरत और सीरत के चर्चे होते हैं तो हर महफिल में मुन्ने राजा की बच्चलनी की कहानियां भी दोहराई जाती हैं। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, मुन्ने राजा रईस का बेटा, रईसों जैसे चलन है। मियां, नाच गाने में हिस्सा लेने से शान बढ़ती है, घटती नहीं, और लाल हवेली में तो दूध की नदियां बहती हैं। अगर यकीन ना हो तो कसौटी लेकर जाओ और घिस कर देख लो, सोने की दीवारों पर चांदी की छत है। सोने की दीवारें, चांदी की छत और संदल के दरवाजे। खालाजान, हमें अपनी बहन के लिए मकबरे की जरूरत नहीं, हम तो अपनी बहन की शादी किसी ऐसे के साथ करेंगे जिसके पास मोहब्बत और शराफत का कभी ना खत्म होने वाला खजाना होगा। तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। मैंने तो वो रास्ता बताया था कि हुस्ना भी रानी बनकर ऐश करती और मुन्ने राजा तुम्हारा सारा कर्जा भी उतार दे। खालाजान, मियां अख्तर, भूलो नहीं, तुम सर से पांव तक कस से दबे हुए हो, अगर ये हवेली नीलाम हो गई तो बाप दादा की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं जाती हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। भाई जान, काश आपने मेरी बात मान ली होती, गलत रास्तों पर चलकर हवेली और जायदाद को गिरवी न कर दिया होता तो आज खानदान की इज्जत खतरे में न पड़ती। आप तो जान देकर छुटकारा पा गए, मेरी समझ में यह नहीं आता कि मैं इस खानदान की गिरती हुई दीवारों को कब तक रोक सकूंगा। हुजूर, कोई साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। हुजूर क़िबला नवाब साहब, हाजिर हो सकता हूँ? जीते रहो बरखुरदार। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। यकीनन यकीनन, पहचानोगे कैसे, जब मैं हज करने गया था उस वक्त तुम इतने से थे। खुश रहो खुश रहो। बरखुरदार, आपके वालिदे माजिद के दम से इस चमन में बहार थी, जब से वो जन्नत को सिधारे वल्लाह लखनऊ उजड़ गया। मियां मेरे लंगोटिए ग्यार थे, क्या बात थी उनकी, हाय हाय, क्या दिन थे, क्या रातें थी, क्या बातें थी, क्या घाते थी, क्या मुलाकातें थी, क्या हिमाकतें।
जरा सांस की शिकायत है, मगर आज पता नहीं कुछ ज्यादा ही फूल रही है। जी जी चचा जान, ज़ईफ़ी के दिन है, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बेटा, मैं इस खानदान की आखिरी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरा पेशा है पेशे शादी। आपके वालिद मरहूम की शादी भी इसी खाकसार ने तय कराई थी, और अब आपकी बहन हुस्ना बीबी की निस्बत लेकर आया हूँ। चचा जान, मैंने हुस्ना को बहुत लाड प्यार से बेटी की तरह पाला है। मैं हुस्ना की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ करना चाहता हूँ जिसके पास सूरत, सीरत, खानदान और तालीम हो, भले उसके पास दौलत हो या ना हो। यकीनन यकीनन, आप बजा फरमाते हैं, दौलत तो धूप छांव है। बेशक, लेकिन आप रिश्ता कहाँ से लाए? लड़के का नाम है मिर्जा अनवर हुसैन। अनवर हुसैन? जी हाँ, बहुत बड़े शायर हैं, अनवर तखल्लुस है। चचा जान, वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब फिर हुजूर क्या फरमाते हैं, अगर वो दोस्ती की कसौटी पर खरा सोना है तो फिर हाँ कहिए। चचा जान, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली, हम तो अरसे से यही सोचे बैठे हैं। तो बात 16 आने पक्की? बिल्कुल पक्की, अनवर और हुस्ना की शादी तय हुई। अल्लाह आपको मुबारक करे और ये जोड़ी रहती दुनिया तक सलामत रहे। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ, आदाब। गायल साहब, फरमाइए। आपका डंडा। ओह, माफ कीजिएगा। नवाब साहब, आपने पहचान लिया क्या? जी क्यों नहीं, आप अब्बा मरहूम के लंगोटिया यार हैं। नवाब साहब, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। बात असल ये है कि मेरे सिवा इस दुनिया में अनवर मियां का और कोई है नहीं, और शादी की बात करने की आपसे हिम्मत नहीं पड़ती थी। डरता था कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, इसलिए दाढ़ी लगाई थी कि मुंह बड़ा रहे और बात छोटी, लेकिन बात घटिया हो गई। जी बिल्कुल नहीं गायल साहब, आपने कमाल कर दिया। अब अपने दोस्त की शादी की खुशी में गले तो मिल लीजिए। नवाब साहब, जय बजरंग बली। नवाब साहब, आपका जवाब नहीं है, सच कहता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ नवाब साहब। क्या मुसीबत है, ये लड्डू भैया। हुस्ना, हमने तुम्हारी शादी अनवर के साथ तय कर दी है। अब कुछ ही दिनों में तुम हमारे पास से चली जाओगी। हुस्ना, ये कानून कुदरत है, बेटी बाप के घर मेहमान बनकर आती है। माँ बाप खातिरदारी में किसी किस्म की कसर नहीं उठा रखते। जब से तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई, बखुदा हमने भी कसर नहीं उठा रखी। फिर भी हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। हमारे मेहमान, अगर हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ कर देना। पागल हो गया क्या घायल? ये क्या बदतमीजी? मेरे प्यारे गुटागू, आज मैंने भी पश्चिम से सूरज निकलते देखा है। अच्छा, पश्चिम से सूरज निकला, जमीन से बारिश हुई, आसमान पर अरमानों की खेती लहलहाने लगी। चलो, छुट्टी हुई गया आशिक काम से। बेटे, तेरा कुर्ता भाड़ के गली में छोड़ देता हूँ, कुत्ते भौंकेंगे, लौंडे पत्थर मारेंगे। जब पत्थर पड़ेंगे तो तुम्हारी हायल्ला क्या कहेगी मालूम है? मेरी हायल्ला ये कहेगी, कोई पत्थर से न मारे मोरे देवरिया को। देवर? अबे उसने का पैगाम लाया क्या? अब पहले अपना मुंह मीठा कराओ, फिर बताता हूँ। लेकिन यार, आज तो घर में शक्कर भी नहीं है। तो क्या हुआ, एक मीठा चुम्मा ही दे डालो। चुम्मा? अच्छा भैया, ले ले। ये खट्टा है तो मीठा ले ले। आहा, बोल बोल, अब बोल। इधर आ, इधर आ, अबे इधर ही बोल ना। इधर आ। पैदल चल के आया हूँ, थक गया हूँ, जरा पाँव दबा दे। अच्छा भैया, लियो। तेरी तारीफ कर करके सर भी दुख गया है, जरा दो हाथ इधर भी। ले।
घायल भैया बातें कर करके गला भी थक गया होगा। बोल 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 बोल। हुस्ना के साथ तेरी शादी तय हो गई। शादी तय हो गई मगर नवाब साहब माने कैसे? प्यारे मैंने तेरी तारीफों के दरिया बहा दिए, नवाब बुलंद अख्तर भी उसी में बह गए। कहने लगे घायल मियां अनवर से हुस्ना बीबी की शादी तय करा दो। अच्छा मैं अकड़ गया, मेरा अकड़ना था कि नवाब साहब ने घुटने टेक दिए, फिर मैं पिघल गया, शादी तय हो गई। अरे घायल जियो सिंगल देख डबल ले गया। खाला जान, नवाब ने मेरी हवेली को मकबरा कहा, मैं उसकी हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं उसे खुदवाकर कब्रिस्तान बनवा दूंगा। लाला जी, लाला जी, नवाब बुलंद अख्तर के खानदान के कर्जे के तमाम कागजात लोगों से दुगने तिगने चौगने दाम देकर खरीद लिए जाएं। बहुत बेहतर सरकार। मैं अब इस नवाब के बच्चे को लखनऊ में जलील करके रखूंगा। भाई अनवर मियां, आप यहां कैसे? क्या हमसे मिलने आए हैं? जी मेरे एक दोस्त इस मोहल्ले में रहते हैं, उनकी कोठी तलाश कर रहा था, गलती से यहां आ गया। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपके दोस्त का? जी मिस्टर केवल कश्यप। केवल कश्यप कहीं आसपास ही रहते हैं क्या? जी हाँ। नवाब साहब गुस्ताखी माफ, मैं सुख जरा जल्दी में हूं, इजाजत चाहता हूं। आदाब से। नजमा जी, इस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत शरीफ और होनहार मालूम होते हैं। यही वो लड़का जिसके साथ हमने हुस्ना की शादी का फैसला किया है। क्यों, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, सोच रही थी कि हुस्ना बीबी के लिए अनवर मियां कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो क्या तुम अनवर को जानती हो? जी जी हाँ, बहुत अच्छे शायर है, अक्सर मैंने अखबारों में उनका कलाम पढ़ा है और तस्वीरें भी देखी है। आप ही बताइए, हुस्ना बीबी को आपने जिस लाड और प्यार से पाला है, एक शायर के घर में भला वो आराम उन्हें कैसे मिलेगा? हुजूर, शायर मुफलिस और नादार होते हैं। ताज्जुब है, कल तक तो तुम गरीब को गले का हार बना रही थी और आज नफरत की निगाह से देख रही हो। भाई हम तो शादी तय कर चुके, जबान ले चुके और जबान दे चुके। फिर तो मुबारक हो। खुदा हुस्ना बीबी और अनवर मियां की जोड़ी रहती दुनिया तक कायम रखे। आमीन। अच्छा तो हम चलते हैं, खुश रहो। जान, मैं जानती हूं तुम क्या पूछना चाहते हो। अनवर, नवाब साहब को शक की नजर से न देखो, गुनाह है। कलाम पाक की कसम भैया, हमारी मोहब्बत पाक है, बेगरज है, वो मेरे मोहसिन है, की मेहरबानियां शरीक न होती तो आज मेरे चेहरे पर गुनाहों के बदनुमा धब्बे होते, खुले बाजार किसी भी कीमत पर बिक गई होती। नवाब साहिब इंसान नहीं, फरिश्ता है। फर्श पर जो निशाना कदम छोड़ गए हैं, चूम सकते हो तो उन्हें चूम लो भैया। आप अजान, मैंने नवाब साहब को पहचानने में गलती की, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। नवाब साहब ने आपको इज्जत दी, आपकी इस्मत की हिफाजत की, मैं उनके कदमों पर सर झुकाता हूं। खुश रहो,
खुदा तुम्हें और नेकी दे। अब्बाजान। अनवर। जी। नवाब साहब कह रहे थे कि वो अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जी अब्बाजान, मैं आज आपको यही बताने आया था। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम किसी बहाने इनकार कर दो? आप पहचान, क्यों इनकार कर दूं? हुस्ना तुम्हारी तरह गरीब नहीं, रईस जाती है। तुम्हारे घर में उसे अपने घर जैसा आराम न मिला तो तुम अपना चैन खो बैठोगे भैया। आप पहचान, आपकी दुआओं के सहारे मैं सारी दुनिया की खुशियां और मसरतें हुस्ना के कदमों में ढेर कर दूंगा। अब आप मंगनी की तैयारियां कीजिए, मैं अपनी बहन के घर से दूल्हा बन के जाऊंगा। अगर आप मेरी इस खुशी में शरीक ना हुई तो इसका गम मुझे जिंदगी भर रहेगा। जी छोटा न करो, मंगनी के बाद मेरा भैया दूल्हा के कपड़ों में मेरे पास आएगा। मैं अपने बन्ने की इतनी बलाएं लूंगी कि मेरे भैया का गम खुशी में बदल जाएगा। आपा जान, बदल सकी है तो मेरी बदनसीबी को खुश नसीबी में बदल दीजिए, ताकि दुनिया के सामने मैं आपको बहन कह सकूं, मां कह सकूं। हिम्मत रखो भैया, अभी तो तुम्हें इस बदनसीब बहन के बगैर न जाने कितनी खुशियों में शरीक होना है। अल्लाह अल्लाह करके मेरे लगाए हुए पौधे में कलियां खिलने का वक्त आ रहा है। कल फूल खिलेंगे, फल लगेंगे। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बा जान, घायल मियां, मंगनी की रस्म अदा कीजिए। नवाब साहब, आप बुजुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त भी, हम चाहते हैं कि ये रस्म आप अपने ही मुबारक हाथों से अदा करें।
अल्लाह नजरे बद से बचाए। परियों के देश का राजा लग रहा है मेरा भैया। सारी महफिल की आंखें चौंधिया गई होंगी, एक दूसरे से यही कहते होंगे कि इतना खूबसूरत दूल्हा कभी नहीं देखा। आपका जाम। रात ज्यादा हो गई है, यहीं सो जाओ। जी बहुत अच्छा। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है नवाब साहब, आप हार्ट अटैक के वहम को अपने दिल से निकाल दीजिए। डॉक्टर चचा, तो कल रात इनकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई थी? ये तो बेटी, मैं तुम्हें रात ही बता चुका हूँ कि इनकी इस तकलीफ का सबब कोई दिमागी परेशानी थी। ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। तो फिर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, मेरी तरफ से आप पर किसी किस्म के परहेज की कोई पाबंदी नहीं। आप उठ बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जो चाहे वो खा पी सकते हैं। इसको जरा कम कीजिए, चलो भाई। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीती रहो बेटी। हुजूर, अनवर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, यही बुला लीजिए भाईजान। हुस्ना, तुमने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा, अब हम बिल्कुल अच्छे हैं। तशरीफ रखिए अनवर मियां। आपकी तबीयत कैसी है हुजूर? मैं तो आपकी इस अचानक बीमारी की खबर सुनकर परेशान हो गया। क्यों नहीं, हमारी बीमारी से आप परेशान नहीं होंगे तो और कौन होगा? आप हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार भी। लेकिन अनवर मियां, इस वक्त हमें जिंदा देखकर आपको हैरत तो ही होगी। सोच रहे होंगे कितना सख्त जान है, भरपूर वार पड़ा फिर भी मरा नहीं। मरे आपके दुश्मन हुजूर, खुदा आपको लाखों बरस की जिंदगी दे। अनवर मियां, मुझको क्यों देते हो जहरे जिंदगी? मुझको मर गए नागहानी चाहिए, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। गुस्ताखी माफ हुजूर, अगर आप हुस्ना को गले लगाकर
उसकी पेशानी चूम सकते हैं तो नजमा मुझे गले लगाकर मेरी पेशानी चूम सकती है। अनवर मियां, हुस्ना हमारी बहन है, हमारी बेटी के बराबर है। हुजूर, नजमा मेरी बहन है और मेरी माँ के बराबर है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। जी नवाब साहब। नजमा तुम? अनवर मेरा सगा भाई है। तो फिर उसी दिन तुमने इस राज को हम पर जाहिर क्यों नहीं किया जिस दिन हमने अनवर के साथ तुम्हारी मुलाकात कराई थी? हमने उस दिन साफ लफ्जों में कहा था कि यही वो लड़का है जिसके साथ हम हुस्ना का ब्याह कर रहे हैं। मेरा खुदा गवाह है, मैंने उस रोज दबे लफ्जों में मना किया था और फिर आपके जाने के बाद अनवर से भी कहा कि वो शादी से इनकार कर दे, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने तुम्हें तबाही के गहरे गार में गिरने से बचाया, तुम पर सरपरस्ती का हाथ रखा, तुमसे पाक मोहब्बत की, तुम्हारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत की, लेकिन इन एहसानात के बदले में तुमने हमसे दगा की। अनवर तुम्हारा भाई है, इस राज को तुमने जानबूझकर हमसे छुपाया। तुमने सोचा कि किसी न किसी तरह से अगर अनवर हमारे खानदान का दामाद बन जाए तो फिर मजबूर होकर हम तुम्हें भी हवेली के बेगम बना लेंगे। नवाब साहब, खुदा की कसम ये मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे मोहसिन, मेरी जिंदगी ने आप ही के साए में सांस ली है। लिल्लाह ये इल्जाम वापस ले लीजिए ताकि आप ही के साए में चैन से दम तोड़ सकूं। खुदा रानवर को गले लगा लीजिए, बस ये आखिरी एहसान और कर दीजिए। कलाम पाक की कसम मेरा मन हुसाया आप पर, अनवर पर फिर कभी नहीं पड़ेगा। अब्बाजान, तुम चुप रहो भैया। नवाब साहब, खुदा के वास्ते अनवर से अनवर की मोहब्बत न छीनिए, मैं आपके कदमों में सजदा करूंगी। अब्बाजान, अब्बाजान, आपका सर मेरे लिए इबादत का दर्जा रखता है, मैं इसे किसी के पैरों में झुकने नहीं दूंगा। मुझे वो मोहब्बत नहीं चाहिए अब्बाजान जिसे पाने के लिए आपको किसी के सामने झोली फैलाकर उसके कदमों पर सर रखना पड़े। नवाब साहब, हम भी किसी उजड़े हुए गुलशन के फूल हैं जिसे वक्त के बेरहम हाथों ने मसल दिया, लेकिन रगों में दौड़ते हुए खून की सुर्खी किसी हालत में भी आपके खून से फीकी नहीं। अनवर मियां, बेहतर यही है आप यहां से तशरीफ ले जाएं। नवाब साहब, मैं जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहन भाई का वो रिश्ता जो बदनसीबी के अंधेरे में डूब चुका था, आज आपकी मेहरबानी से फिर से उजाले में आ गया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा नवाब साहब। आप सबके सामने फख्र से ये कह सकूंगा, नजमा मेरी बहन है, मेरी मां है। अब्बाजान, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन गया, मेरे हाथ आसमान को छूने लगे। चलिए अब्बाजान। हुजूर, बात घर से निकलकर सारे लखनऊ में फैल चुकी है। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि मंगनी के बाद अनवर ने खुद शादी से इनकार कर दिया। खैर, कोई कुछ भी कहे, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग हुस्ना का नाम ले लेकर इस खानदान पर उंगलियां उठाएं। उन्हें राजा किसी की क्या मजाल जो कोई हमारी बहन का नाम लेकर हमारे खानदान पर उंगलियां उठाए। मंगनी हमने क्यों तोड़ी हम जानते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी घरेलू बातों में कोई दखल दे। आप सिर्फ आने की वजह बताइए। आपने मुझे गलत समझा है, मैं तो इस नाजुक वक्त में आपको बदनामी से बचाने के लिए ये इल्तजा लेकर आया हूं कि आप मेरी लाल हवेली को, जिसकी दीवारें सोने की और छत चांदी की है, मकबरा नहीं हुस्ना का घर समझें। मुन्ने राजा, हम खाला जान से साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि ये रिश्ता हमें पसंद नहीं। सोच लीजिए, अब नवाब मिर्जा जहीरुद्दीन हैदर चंगेजी की इज्जत आपके नहीं, मेरे हाथ में। मैंने आपकी जायदाद के तमाम कागजात दूने दाम देकर खरीद लिए
और इतना बड़ा कर्जा चुकाना आज आपकी हैसियत से बाहर, और मेरे लिए इस हवेली को नीलाम पर चढ़ा देना बहुत आसान। मुन्ने राजा साहब, अभी तक ये हवेली बिकी नहीं, इस पर हमारा ही कब्जा है, और ये हमारी शराफत है जो आप अब तक इस हवेली में खड़े हैं। नवाब साहब, आप मेरे बुजुर्ग, मैं आपको सोचने का एक आखिरी मौका और देता हूं। कल ये हवेली बिक गई तो आपकी शौकत खत्म हो जाएगी, फिर उसना की शादी आपके लिए उतनी ही मुश्किल हो जाएगी जितनी कि आज आसान। इस हवेली की शान और शौकत रहे या न रहे, जिंदगी के बाकी दिन हमें इस महल से निकलकर झोपड़े में क्यों न गुजारने पड़े। नवाब बुलंद अख्तर से हम सिर्फ अख्तरी क्यों न रह जाए, लेकिन अपनी बहन की शादी हम आप जैसे जलील गिरे हुए इंसान से हरगिज नहीं होने देंगे। कोई है, इस नवाबजादे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। यकीन कीजिए, मैं आपको खोकर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकूंगी। हुस्ना, मां बाप और खानदान की इज्जत के सामने मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा, एक बात का जवाब दो, अगर तुम अपने भाईजान की जगह होती और नवाब साहब की तरह अपने खानदान को कुर्बानियां दे देकर अपने खून से तुमने सींचा होता, तो क्या आज अपनी बहन की शादी मुझसे कर देती? जवाब तो हुस्ना, तुम्हें मेरी कसम, खुदा गवाह है, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि भाईजान कसूरवार है। मैं जानती हूँ वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक है, मैं ये भी जानती हूँ कि मोहब्बत से फर्ज का पल्ला हमेशा भारी होता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी मोहब्बत ने मुझे पागल बना दिया है, मेरा सुकून छीन लिया है, मेरी नींदें चुरा ली है। हुस्ना, मुझे तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर नाज है, और उसी मोहब्बत के सदके में आए तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। खुदा रा मुझे भूल जाओ, मेरी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो, भूल जाओ कि हमने एक साथ जीने के ख्वाब देखे थे, हम सफर बनकर जिंदगी की मंजिलें तय करने के वादे किए थे, सब कुछ भूल जाओ हुस्ना, सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं हुस्ना। जिंदगी में जब भी किसी पिघलती हुई शमा को देखिएगा तो मुझे याद कर लीजिएगा। और तुम भी जब किसी जलते हुए परवाने को देखना तो मुझे जरूर याद करना। अनवर मेरे दोस्त,
माफ कर देना। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चराग जलते हैं। साथ चलते हैं याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। नीलाम पर चढ़ाई जाएगी। भाइयों हर किस
किसी को इस हवेली पर बोली बोलने का हक है, आइए और बल के बोली बोलिए। साहिबान, इस सुनहरी मौके से फायदा उठाइए, नीलामी में शिरकत कीजिए। चंगेजी खानदान की इस तारीखी हवेली को खरीद के अपनी इज्जत बढ़ाइए। हुकुम सरकार का। करो, तुम लोग सब जाओ। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने इस मकबरे को देखते हैं। कहिए नवाब बुलंद अख्तर साहब, कैसे आना हुआ? मुन्ने राजा, हमारे खानदान की इज्जत को अब नीलाम पर न चढ़ाइए। हम अपनी हवेली, अपनी जायदाद, सब कुछ आपके नाम लिख देते हैं। इस नीलामी को आप हटा लीजिए, हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे। बहुत अच्छे, देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन अकेले आए। हम तो समझे थे कि आप अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन को भी साथ। कोई है? कोई है? नवाब के बच्चे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। इस हवेली को बहुत सिविल जज साहब बहादुर लखनऊ नीलाम किया जाता है। हर किसी को बोली बोलने और खरीदने का हक है। 1000 साहिबान, इस हवेली की बोली अदालत की तरफ से 3 लाख मुकर्रर हुई है। इससे कम की बोली नहीं मानी जाएगी। बोलिए, 3 लाख से ऊपर बोलिए, बोलिए 3 लाख, बोलिए साहिबान 3 लाख। 3 लाख 1000, 3 लाख 5000, 3 लाख 6000, 3 लाख 15000, 3 लाख 20000, 3 लाख 21000, 3 लाख 24000, 3 लाख 25000, 6 लाख 50000, 6 लाख 50000, बोलिए साहिबान पर चढ़कर 6 लाख 50000, 7 लाख 20000, 7 लाख 20000, 7 लाख 20000। मेरे अल्लाह, जिस खानदान पर आज तक तेरी रहमतों का साया था, जिसे आज तक तू रुसवाई से बचाता रहा, आज तूने उसी खानदान की तरफ से किन गुनाहों के बदले में निगाहें फेर ली। मेरे अल्लाह, अगर तू हमारी बर्बादी में खुश है तो मुझ बदनसीब की एक छोटी सी दुआ सुन ले, मुझे मौत दे दे। मैं अपनी आंखों से अपने खानदान के साथ साथ अपने भाईजान की जिल्लत और रुसवाई का तमाशा नहीं देख सकती। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ, मुझे मौत दे दे। आठ लाख पच्चीस हजार, 2 8,25,000। बोलिए, मुंह क्या देखते हो? ऐसी शानदार हवेली तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। बोलिए 8,25,000।
आया। मैंने अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए कदम कदम पर बड़ी से बड़ी कीमत अदा की। भाईजान का सारा कर्जा अपने ऊपर लिया। अपने अरमानों के साथ साथ हुस्ना की मासूम जिंदगी भी इस हवेली की चौखट पर कुर्बान कर दी। लेकिन आज एक दिन आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसकी मोहब्बत खरीदना चाहती थी, आज मैं अपने आप को बेचने आया हूँ। मुंह मांगे दाम भी लेंगे, कहिए क्या कीमत होगी। शर्माइए नहीं, मोहब्बत का सौदा है, दाम सोच समझ के जी खोल के मांगिए। हमारे जैसा खरीदार किस्मत से मिलता है। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। बस सिर्फ 10 लाख? मालूम होता है आपको अपनी कीमत नहीं मालूम, दाम बढ़ा के मांगिए। जी नहीं, मुझे सिर्फ 10 लाख चाहिए। आपकी मर्जी, लेकिन रुपए देने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे यकीन दिलाएं। आप इत्मीनान रखें, मैं कुछ देर के बाद वापस आ जाऊंगा और फिर आपकी चौकट पे गुलाम की तरह जिंदगी गुजार दूंगा। बेटा कैसी गैरों जैसी बातें करते हो, तुम तो इस रौनक महल में दूल्हा बनकर आओगे और मालिक बनकर रहोगे। खुदा तुम दोनों को लाखों बरस की जिंदगी दे। खुदा बंदा, मैं अपने पुरखों की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बर्बादी का लुटा हुआ मंजर अपनी आंखों से देखने से पहले मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। परवरदिगार, इस खुदकुशी को मैं अपने बाप दादा की चौखट पर सजदा करके इबादत का दर्जा दे रहा हूं, तू इसे गुनाह न समझना। भाईजान, आप तो जहर खाकर इस जिल्लत और रुसवाई से बच जाएंगे, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपके बाद मेरा क्या होगा। इतनी बड़ी बेरहम दुनिया में जहां इंसान की शक्ल में भेड़िए बसते हैं, मैं अपने खानदान की इज्जत और आबरू की हिफाजत कैसे दिन कर सकूंगी। भाईजान, आपके पास वक्त के हाथों अगर मजबूर होकर मुझे भी घुंघरू बांधकर नजमा की तरह स्टेज पर नाचना पड़ा, तो आपकी बहन को भी दुनिया उसी तरह नफरत की निगाहों से देखेगी जिस तरह आज आप नजमा को देख रहे हैं। भाईजान, मैं भी आप ही की बहन हूं, मेरे सीने में भी आप ही की तरह गैरत भरा दिल है। मैं भी अपनी आंखों से सिल्लर रुसवाई का ये भयानक मंजर देखने से मौत को कहीं ज्यादा बेहतर समझती हूँ। आइए भाईजान, हम भाई बहन जहर पीकर इस खानदान को हमेशा के लिए मिटा दें। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं, मुझे माफ कर दो हुस्ना, मैं अंधा हो रहा था। मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा, तुम्हारे लिए सोचा ही नहीं। हुस्ना, काश आज अनवर जैसे शरीफ लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी होती, इज्जत के साथ तुम्हारा डोला इस हवेली से विदा कर चुका होता, तो खुदा की कसम अपने बाप दादा की इस हवेली के बिकने का तमाशा अपनी आंखों से कभी नहीं देखता, अपनी जिंदगी खत्म कर देता। नवाब साहब, इंसान की इज्जत जब जाती है, जब वो सच्चाई और ईमान का दामन छोड़ देता है। इंसान की इज्जत जब जाती है जब वो अपने जमीर को बेच देता है, इंसानियत को बेच देता है, शराफत को बेच देता है। ईंट और पत्थर के बने हुए मकानों के बिकने से इंसान की इज्जत नहीं जाती नवाब साहब। और अगर आप फिर भी यही समझते हैं कि दुनिया में इज्जत उन्हीं लोगों की है जो महलों में रहते हैं, तो ये लीजिए अपनी हवेली के कागजात। आपका सारा कर्जा आपके नाम से अदा कर दिया गया, हवेली नीलाम पर से उतर गई नवाब साहब। भाईजान,
नवाब साहब, जब तक जान में जान बाकी है, एक दोस्त के होते हुए दूसरे दोस्त की इज्जत नीलाम पर नहीं चढ़ सकती। बखुदा मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी दोस्ती की खातिर किया है। अनवर, मेरे दोस्त, इस हवेली को बिक जाने दो, अब मुझे ये शान शौकत नहीं चाहिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं अनवर, मैंने तुम्हारे और हुस्ना के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। अनवर, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, मुझे गुनाहगार होने से बचा लो, हुस्ना का हाथ अपने हाथ में ले लो। नवाब साहब, अब वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। नहीं अनवर, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो, मुझसे बदला ना लो, मुझे माफ कर दो। अनवर, अनवर, मैं तुमसे तुम्हारी भीख मांगता हूं। मैं मजबूर हूं नवाब साहब। मगर क्यों? मैं नसीम आरा से शादी का वादा कर चुका हूं। अनवर, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मुझे माफ कर दो। अच्छा, मुझे माफ कर दो हुस्ना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी किया हुस्ना। हमेशा के लिए लखनऊ छोड़कर जा रहा हूं। नजमा, मैं जिंदगी के सफर में तुम्हें अपना हम सफर बनाना चाहता हूं। मेरा हाथ थाम लो नजमा। मैं इस काबिल नहीं हूं हुजूर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। इनकार न करो नजमा, मैं अपने किए पर बहुत पशमान हूं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। नजमा, आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ। मैं आ सकता हूँ खालाजान? अख्तर मियां, तस्लीम भाईजान। जी सर। आओ आप, बड़े अच्छे मौके पर आए। मैंने नसीम आरा की शादी के लिए कुछ जेवरात मंगवाए। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं खाला जान। अनवर को रुपए देकर आपने जो मेरी इज्जत बचाई है, मैं इसका शुक्रिया अदा करने आया हूं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैंने जो कुछ किया है नसीम आरा की खुशी के लिए किया है। खुदा अनवर और नसीम आरा की जोड़ी सलामत रखे। ये लो नसीम, तुम्हारी शादी का तोहफा। मैंने हवेली तुम्हारे नाम लिख दी है और हम हमेशा के लिए लखनऊ छोड़कर जा रहे हैं। खुदा। अख्तर मियां, भाई जान, जिंदगी के सफर में एक ऐसा मुकाम भी आता है जब इंसान कुछ खोके बहुत कुछ पाता है। मैं आपको अपनी शादी से पहले नहीं जाने दूंगी, आपके सिवा मेरा और कोई बुजुर्ग नहीं। क्या आप अपने हाथों से अपनी बहन के सर पर सहरा नहीं बांधेंगे? क्या आप अपने हाथों से अपनी बहन को डोली में नहीं बिठाएंगे? भाई जान, अगर आप मुझे हुस्ना की तरह अपनी बहन समझते हैं तो आपको ये फर्ज अपने हाथों से जरूर पूरा करना होगा। नसीम आरा, हमारी इज्जत बचाकर हम पर जो तुमने एहसान किया है उसके बदले मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करने को तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। खाला जान, भाईजान का मुंह तो मीठा करवाइए। आओ मेरे साथ चलो।
मौलवी साहब तशरीफ लाइए। बीबी, मैं आपका निकाह मिर्जा अनवर हुसैन वल्द मिर्जा यावर हुसैन के साथ रकम मेहर 50,000 रुपए सिक्का रायजुल वक्त पर पढ़ूं? आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? बेटा हाँ कह दो, कह दो हाँ। क़िबला, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। मिर्जा अनवर हुसैन वल्द मिर्जा यावर हुसैन, मैं आपका निकाह बयुज़ मेहर 50,000 रुपए सिक्के राजुल वक्त पर नवाब मिर्जा असगर हुसैन की दुख्तर हुसना बीबी के साथ पढ़ूं? आपको मंजूर है? हुसना बीबी फरमाइए, आपको मंजूर है? देखिए भाईजान, मुझे दुल्हन के रूप में न देखकर अनवर मियां किस कदर हैरान हो रहे हैं। वो तो ये समझ बैठे थे कि इन्होंने मोहब्बत बेची और मैंने खरीद ली। अब इन्हें ये कौन समझाए कि मोहब्बत इबादत है, इबादत की जाती है, न बेची जाती है न खरीदी जाती है। फरमाइए, आपको मंजूर है? जी वो दूल्हे मियां जरा बौखला गए हैं, मेरे हाथ इनका काम चलेगा? शराब सेंट्री फ्लैट सॉरी बॉदर इन लॉ। आपको मंजूर है? मंजूर है। Like, comment, subscribe to our channel.